इसमें हम लोग परसेंटेज को यहां पे शिफ्ट करेंगे इसके साथ, तो इसको ले लेंगे 18.4 मल्टीप्लाइड बाय 15.75 इसको ले सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और माइनस यहां पे हम लोग इसको 23 सो सकते हैं और इसको हम लोग 9 सो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग ब्रेक करके सोचेंगे, तो 18 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे सोचेंगे हम लोग, दो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक तो है कि 18 को हम लोग डेढ़ गुना सोच लें और उस पर एक जीरो लगा दें, 1.5 टाइम्स सोच लें और एक जीरो लगा लें, ठीक है। तो 18 का 1.5 क्या था, 27, इसका मतलब कि 270, या तो 15 का टेबल भी पढ़ सकते हैं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद 15 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल कम 6, ठीक है। 18 को 0.75 से सोचना है, तो दो तरीका है ना, या तो आप इसको 1.5 कर लें और इसको हाफ कर लें, तो इसको अगर 9 करते हैं तो 1.5 हो गया ये 0.75, और 9 का डेढ़ गुना मतलब कि 1.5 टाइम सोचना है तो 13.5 सोच सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें से आप 0.5 और 0.25 दो टर्म में सोचें, इसका 0.5 अगर सोचेंगे तो 9 होगा और 9 का हाफ, ठीक है, तो आप कुछ भी करें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो हमने क्या सोचा इसमें, इसको हाफ कर लिया, इसको डबल कर लिया, इसको हाफ किया तो 9 हुआ, इसको डबल किया तो 1.5 हुआ, 1.5 का 9 टाइम्स मतलब 9 का डेढ़ गुना, और वो हो गया हमारे पास 13.5, ठीक है। और फिर इसका और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 23 का 9 से टेबल, टेबल आपको याद है, या तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 23 माइनस कर लें, वो भी एक तरीका है, या तो 9 का टेबल सबको पता होता है ना, अगर हम 9 का टेबल नहीं जानते हैं तो 23 का 10 टाइम्स ले लें, 230 माइनस 23 कर लें तो 207, ठीक है। ए वैल्यू हमारे पास आ गया 27, इसको हम लोग सोचें तो कितना सोचेंगे, 19.5, 20 भी सोचते हैं तो 290 में से हम अगर 207 माइनस करते हैं तो 83 हमारा वैल्यू आएगा, 290 अगर लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू और 207 लेते हैं तो हमारे पास 83 वैल्यू आएगा, जो कि